आज है 10 मई और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है एमपी लैड से जुड़ा हुआ। एमपी लैड्स का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 1993 में शुरू हुई थी, जिसमें जो एमपीज हैं उनको हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उनके जो एरिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए या वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट कार्य होता है उसको फंड कर सकते हैं वो। ठीक है, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि फ़ंड इसमें से जाएगा। जो लोकसभा के एमपीज़ होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते हैं, और जो राज्यसभा के एमपीज़ होते हैं वो जिस राज्य से चुनकर आए होते हैं उस राज्य के किसी भी एरिया में वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जो फंड होता है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को पहुँचता है, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी चेक करती है काम हुआ है कि नहीं, उसके बाद काम ख़त्म होने पर वो फंड रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0, ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हायर एजुकेशन और लड़कियों को हायर एजुकेशन में मदद करने के लिए और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर है पीएम वाणी स्कीम। पीएम वाणी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर लिया रेलटेल, एक मिनी रत्ना पीएसयू है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसने 100 रेलवे स्टेशन पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ पब्लिक वाईफाई लगाया और उसको कोई भी फ्री में एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, उन्होंने प्रपोज़ किया है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि यूरोप की अपनी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें यूरोपियन यूनियन और नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ एक साथ एक जैसा सोच सकें, मतलब एक कंसेंसस डेवलप कर सकें। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, फिल्म की रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन चल रहा है इंडिया में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया है पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके अंडर में हो रहा है। उसके बाद कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट रोड्रिगो चावेज इलेक्ट हुए हैं। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो ब्रेकफास्ट स्कीम चलाएगी प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए। फिर है तीन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये तीनों स्कीम 2015 में कोलकाता से लॉन्च की गई थी पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, तो इन स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो मतलब किसी भी कारण से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको कवर करती है। ठीक है, इसमें 18 से 50 साल तक के लोग क्या कहते हैं अपना बैंक अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस बैंक में खुला सकते हैं, और इनको जो इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो 2 लाख से 2 लाख तक का मिलेगा, मतलब उनको। और इनकी एनुअल जो प्रीमियम होगी वो 330 रुपये होगा। ठीक है, मतलब एक साल में आप 330 रुपये जमा करेंगे तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारणवश, और अगर उसमें मतलब दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको कवर करने के लिए है। इसमें जो है 18 से 70 साल के एज ग्रुप के लोग अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें 2 लाख से डिसेबिलिटी के केस में 1 लाख और मौत के केस में 2 लाख तक की कवर मिलेगा। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम है वो 12 रुपया पर एनम है। ठीक है, मतलब 1 महीने का 1 रुपया। फिर है अटल पेंशन योजना। ये एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके लिए। इसमें जो 18 से 40 साल के आयु के लोग हैं वो एलिजिबल हैं, और जो पेंशन अमाउंट वो चुरेंगे उसी हिसाब से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग पेंशन है जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, तो जितना चुरेंगे और जिस साल उन्होंने इसको ज्वाइन किया है उस हिसाब से उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब उनको हर मंथ ये पेंशन मिल पाएगी। ठीक है, फिर है पुलित्जर प्राइज 2022। कई कैटेगरीज में ये अनाउंस होता है पर इसमें तीन इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर करंट अफेयर्स में या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें है पब्लिक सर्विस, द वॉशिंगटन पोस्ट को मिला, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के केस में द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला, और फीचर्ड फोटोग्राफी में अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, इन 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।